सर मुझे लगता है इतने लंबे लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं थी। आदमी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता है, ना कहीं आ सकता है ना कहीं जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे जेल में ही बंद हो। मेरे हिसाब से तो इस लॉकडाउन से सिर्फ नुकसान ही हुआ है। नहीं मनोज, तुम्हारी सोच गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना जैसी महामारी से भारत पूरे विश्व समेत लड़ रहा है। आर्थिक तौर पर भी हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परंतु मानव के अनमोल जीवन को बचाने के लिए यही एक रास्ता है। और वैसे भी लॉकडाउन के सिर्फ नुकसान ही नहीं, इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे? कैसे फायदे सर? देखो, लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में कितनी कमी आ गई है, हवा साफ हो गई है। मैंने तो अखबार में यहाँ तक पढ़ा कि जालंधर से हिमालय नजर आने लगा है। क्या हिमालय पहले नहीं था? था, पर बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव के कारण हिमालय छिप सा गया था। अब हवा साफ हो गई है तो सुंदर प्रकृति का नजारा भी देखने को मिलता है। गंगा यमुना समेत कितनी ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। ध्वनि प्रदूषण में भी कितनी कमी आ गई है। नेचर को भी अपडेट होने का समय मिल गया है और प्रकृति के साथ साथ हमें भी अपडेट होने का समय मिल रहा है। हम अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, एक साथ परिवार के सारे सदस्य बैठकर बातें करते हैं, हंसते हैं, भोजन करते हैं, खेलते हैं, हैं? एक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है इस लॉकडाउन ने पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांध दिया है। भागते शरीर और दौड़ते दिमाग दोनों को आराम मिल रहा है। जहाँ इस वक्त विश्व इस कोरोना जैसी महामारी से युद्ध कर रहा है, तो जिम्मेदार मानव होने के नाते हमें भी देश और विश्व दोनों को साथ देना है। घर पर रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। कोरोना संबंधित कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर के पास जाने से नहीं है खतरा, क्योंकि हमें है कोरोना को हराना। घर पर रहकर डॉक्टर, नर्सेस, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों जैसे सभी जो इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, उन प्रत्येक योद्धाओं की विजय के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो घर पर रहकर ही जीती जा सकती है। अतः घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व को इस लड़ाई में सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद।